कांग्रेस पहले दीवार दर दीवार ढह रही थी और अब ईंट दर ईंट बिखर रही है। पांच राज्यों के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को सिर्फ दो राज्यों से सत्ता से निकाला ही नहीं, ये साफ कर दिया कि 2014 लोकसभा चुनाव के सदमे से कांग्रेस अब तक उबर पाने में नाकाम रही है। चुनावी हार का यह दंश अब इतनी पीड़ा देने लगा है कि पार्टी नेता ये सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं सर्जरी की जरूरत तो नहीं। दिग्विजय सिंह उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2014 की पार्टी हार के नतीजे पर मंथन किया। अब पांच राज्यों के नतीजे के बाद कहते हैं कांग्रेस बीमार है, आईसीयू में है, उसे सर्जरी की जरूरत है। तो मेरा जो मेजर सर्जरी का आशय है वो यही है कि उस पर अब निर्णय और अमल होना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल फेस शशि थरूर ने पार्टी की उस अंदरूनी बीमारी की कहानी कैमरे पर सुनाई जिसके चलते राज्य पर राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलते जा रहे हैं। A challenge definitely is endemic sometimes in the party, and that is the factionalism and one-upmanship amongst different leaders. Right unto the time of the ticket distribution, there were disagreements which played out in a very public way. And this kind of factionalism, which afflicts the Congress party in many states, certainly also did us some damage in terms of public perceptions. कांग्रेस की इस हार की बीमारी से बीजेपी खुश है, उसे कांग्रेस मुक्त भारत के उसके नारे की हकीकत सामने दिखती है। We would say that even surgeries or major surgeries would not be able to save the Congress anymore, because Congress is down with a deadly disease called as corruption, and the patients who are down with corruption can hardly be saved. लेकिन क्या कांग्रेस विहीन सियासत की इस देश में फिलहाल कल्पना की जा सकती है? बिहार में गठबंधन कर चुनाव लड़े जेडीयू के नेता ऐसा नहीं मानते। पार्टी की भूमिका कमजोर हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा विरोधी कोई बड़ी चीज बननी है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब सवाल है फिर क्यों है कांग्रेस को सर्जरी की जरूरत? दरअसल देश में भले ही अब भी कांग्रेस सियासी रूप से हर एक राज्य में मौजूद हो, लेकिन हकीकत है कि अब उसकी सत्ता सिर्फ छह राज्यों में सिमट कर रह गई है। इसमें भी सिर्फ कर्नाटक ही एकमात्र राज्य है। दूसरे राज्य जहां कांग्रेस की सत्ता अब भी कायम है उनमें उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय जैसे छोटे राज्य हैं। दरअसल 2014 के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में कांग्रेस की करारी हार हुई है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सत्ता से कांग्रेस बेदखल हो गई। अब केरल और असम में सत्ता से आउट होना कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का सबब है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों कांग्रेस सिमट रही है? क्यों वो पार्टी जिसने कभी लोकसभा में 415 का आंकड़ा पाया वो सिर्फ 44 सीटों पर सिमट कर रह गई है? सवाल ये भी कि अगर यही आलम रहा तो कांग्रेस 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कैसे पार पाएगी, या यहाँ भी हाथ साफ हो जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। 131 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अब देश की सियासत में हाशिए पर जाती नजर आ रही है, लिहाजा उसे अब सर्जरी की जरूरत है। एक के बाद एक करारी हार ने कांग्रेस की लीडरशिप पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस को आईसीयू से कैसे निकाला जाए, ये हम नहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अब मानते हैं कि चुनावी हार पर मंथन बहुत हो चुका और अब एक्शन लेने की बारी है, सर्जरी करने की बारी है। सवाल है कि आखिर सिमटती कांग्रेस पार्टी अपनी हार के लिए किसके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि जो पार्टी के कर्ता धरता है कांग्रेस उनकी विरासत का हिस्सा है। तो क्या कांग्रेस को अब प्रियंका गांधी के तौर पर विकल्प ढूंढ लेना चाहिए या कोई और विकल्प हो सकता है? सवाल कई है क्योंकि कांग्रेस की हालत खासकर पांच राज्यों में चुनावों के बाद बेहद खस्ता दिख रही है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान है, एक बड़ा ही खास पैनल है जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हम आपको बताते हैं मेरे साथ इस वक्त है कौन कौन। मेरे साथ इस वक्त अमिताभ सिन्हा होंगे, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मुकेश नायक स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, नवाब मलिक स्पोक्स पर्सन एनसीपी, अमीर हैदर जैदी सीपीआई से होंगे मेरे साथ, और संगीत रागी आरएसएस थिंकर भी मेरे साथ इस पैनल में होंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस का दायरा 52 से लेकर 2016 तक कैसे सिमट रहा है। जल्दी से हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे, आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू का दौर 51-52, तब कांग्रेस करीब 53% देश की आबादी पर अपना वर्चस्व रखती थी। 93% आबादी तक वर्चस्व रखती थी, 93% की आबादी तक जहां थी वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी का दौर आया 77 में, तो यह दायरा घटकर 25% तक आया, और फिर 77 के बाद राजीव गांधी का दौर आया 91 में, तो फिर उन्होंने
कहीं ना कहीं अपनी विरासत को बचा के रखा और अपनी माता जी की तरह ही 25% तक इनका भी, इनके दौर में भी कांग्रेस का वर्चस्व रहा, कांग्रेस इतनी आबादी तक रही सरकार में। लेकिन अब 2016 में पिक्चर बहुत खराब होती दिख रही है। 14% आबादी है देश में, जहां केवल कांग्रेस अकेले नहीं है, बल्कि अगर अकेले का देखें तो और भी कम है। अपने साथियों के साथ, पूरे गठबंधन के साथ 14% आबादी तक पहुंचती दिख रही है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम आपको कुछ और बड़े यहां पर सवाल आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर, और कुछ और हम यहां पर आपके सामने एक एनालिसिस रखने की कोशिश करते हैं, क्यों सिमट रही है कांग्रेस। केरल और असम की बात करें तो यहां सत्ता विरोधी लहर दिखी। कहा जा रहा है कि एंटी इनकंबेंसी ने कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया, कांग्रेस कम्युनिस्ट के बीच लव एंड हेट रिलेशनशिप भी रंग नहीं ला पाई वेस्ट बंगाल में, केंद्रीय और लोकल लीडरशिप के बीच कोऑर्डिनेशन की भारी कमी दिखी और अरुणाचल से लेकर असम तक ये आवाजें उठती रहीं। चुनाव के दौरान केंद्रीय लीडरशिप दूसरी वजहों में लगा रहा, अगस्ता वेस्टलैंड, संसद हंगामा, बहुत सारे मामले हैं। स्थानीय मुद्दे की जगह केंद्र सरकार पर हमला किया जाता रहा, बजाय कि स्थानीय मुद्दे को उठाया जाए, ये भी एक बड़ी वजह रही। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति का जवाब भी शायद सोनिया राहुल नहीं दे पाए और एक बार फिर से अमित शाह ने अपनी रणनीति को प्रूव किया। लोकसभा चुनाव में हार से कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया 2014 के चुनावों से, और दूसरी पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस की चुनावी रणनीति इन चुनावों में कमजोर नजर आती दिखी। कुछ और दिखाते हैं आपको इसके अलावा, क्यों सिमट रही है कांग्रेस, ये कुछ एनालिसिस हो सकता है। विधानसभा टिकट बंटवारे में भी केंद्रीय लीडरशिप का फैसला अंतिम माना गया, बजाय कि जो विधानसभा, जो स्टेट की लीडरशिप है उसकी बात मानी जाए। राहुल गांधी युवाओं को लुभाने में नाकाम दिखे। इसके बाद अगर बात करें यहां और क्या कुछ खास है, कांग्रेस के भविष्य पर कैसे दांव पर कांग्रेस का भविष्य लगा, ये हम आपको दिखाएंगे। और कांग्रेस की सर्जरी की जरूरत क्यों है, इस सवाल को उठाएंगे। मेरे साथ, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही खास पैनल है और नवाब मलिक भी हैं, स्पोक्स पर्सन एनसीपी, लेकिन मुकेश नायक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है मेरे साथ, उन पर सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं। आप सभी का स्वागत है मुकेश नायक। सर्जरी की जरूरत है, ये आप ही के दो बड़े नेताओं ने कहा है, कौन सी वो सर्जरी होगी जिसकी जरूरत है कांग्रेस को? कांग्रेस पूरे के पूरे चुनाव और देश में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा से लेकर अभी तक, उसमें गंभीर समीक्षा और चिंतन कर रही है। सही व्यक्ति को सही स्थान पर बिठाला जाएगा। लीडरशिप को लेके कोई विवाद कांग्रेस पार्टी में नहीं है, बिना वजह की ये परसेप्शन बनाई जा रही है। माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के निर्विवाद नेता हैं, थे और रहेंगे, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कांग्रेस में लीडर को लेके कोई विवाद नहीं होता। पांच चुनाव जो हुए हैं पांच राज्यों के, उसमें एक राज्य को छोड़कर बीजेपी की कोई स्थिति नहीं है। दो राज्यों में हम चुनाव हारे हैं, उस हार को हम स्वीकार करते हैं। 15 साल हमारा असम में शासन। अच्छा, ये स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस को सर्जरी की जरूरत है कि नहीं, वहां हम चुनाव हारे।